हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है, किन किन स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपोर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। बैंक निफ्टी का कैंडल थोड़ा डोजी जैसा कैंडल के साथ क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके सामने निफ्टी देख लीजिए कोई विचार बनाने से पहले कि निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है और डे हाई के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। ओके, तो बैंक निफ्टी देखने के बाद ऐसा लग सकता है आपको या किसी को भी कि यहाँ से शॉर्ट हो सकता है, लेकिन आप समझिए, जब भी इस वे में नेगेटिव कैंडल बन रहा है या डोजी जैसा कैंडल बन रहा है, इसके बाद अगला कैंडल हाई ब्रेक कर रहा है, राइट। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आप, इधर देखिए, कहीं भी इस वे में मार्केट बहुत पॉजिटिव है। तो एक कैंडल देख के आप शॉर्ट के बारे में विचार मत करिए। मार्केट थोड़ा रुका है, थोड़ा हॉल्ट लिया है, और इसका एक मेन कारण है कि कल हम लोगों ने जहाँ डिस्कशन किए थे कि ये जो स्विंग हाई है, राइट, ये जो गिरावट आया, गिरावट का फर्स्ट पुल बैक था ये पॉइंट, ठीक है। मतलब 39,400-39,500 का भाव, यही भाव को टेस्ट करके मार्केट थोड़ा रुका हुआ है, ठीक है। अगर कल का कैंडल इनसाइड होके क्लोज देता है या हायर एंड के आसपास क्लोज देता है, तो ये 40,000 की तरफ मूवमेंट करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर शॉर्ट होना है तो प्राइस पैटर्न बनेगा, हड़बड़ी में अभी शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। ओके, चलिए अगर हम लोग इसका 5 मिनट के चार्ट देखें तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है। हम लोग इसमें मॉर्निंग में खुलते ही ट्रेड ले सकते हैं, और कल जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, लेकिन ये काफी गैप अप ओपन हुआ, चांस मिला नहीं अपने को, और सिनेरियो भी था कि गैप अप ओपन होने वाला है। ओके, बट जैसे ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर एक मोमेंट आया, सेम इसी तरीके से कल हो सकता है। देखिए ये रेंज है, इस रेंज तक कहीं भी अगर हमें 5 मिनट या 15 मिनट, दोनों टाइम फ्रेम ध्यान रखिएगा, किसी भी टाइम फ्रेम में फर्स्ट ग्रीन कैंडल दिखे उसके ऊपर बाइंग करेंगे, राइट, लो का एसएल डालेंगे, और मैक्सिमम एसएल जो हमारा होगा 100-120 पॉइंट का, ये हमारा बैंक निफ्टी में एसएल बनता है, राइट, इसे ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है, राइट, या फिर खुल के थोड़ा नीचे आता है, ओके, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनता है, पहले बनने देना है। अगर 5 मिनट में ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तो 15 मिनट में वेट करिएगा। जैसे ग्रीन कैंडल बनता है, हाई ब्रेक करता है, आप इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, और इंट्राडे में मार्केट मूवमेंट इधर अगेन दिखा सकता है, मतलब 34,900 की तरफ भी जा सकता है। ये नंबर वन कंडीशन होगा, इसे ध्यान रखिएगा। इस पैटर्न का बनने की संभावना ज्यादा दिखेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है। अगर मान लीजिए प्राइस इसी जगह में खुलता है, तो ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ये कंटिन्यू में ऊपर चले जाएगा। आपको इसी रेंज में बाइंग करने के बारे में सोचना पड़ेगा। 39,250-60 के ऊपर जैसे जाएगा प्राइस, आपको बाइंग करना पड़ेगा, राइट। छोटा एसएल बनेगा, मतलब 39,200 का। तो स्टॉप लॉस यहाँ लगभग 50-60 पॉइंट बन रहा है, इमीडिएट यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा 39,400-39,500 का होना चाहिए, राइट। 400 के आसपास, 450 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर जाके थोड़ा रेजिस्टेंस बना के इसी जगह में टाइम स्पेंड करेगा, और अगर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए कि मार्केट इसी जगह में टाइम स्पेंड करता है या यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, तो शॉर्ट नहीं है, राइट। यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करके क्लोज देता है मार्केट 39,300 या 400, कहीं भी कल क्लोजिंग आता है, एक बुलिश ट्रेड बना के जा सकते हैं। एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मोमेंट आ सकता है, नजर रखिएगा। अगर हायर एंड के आसपास क्लोजिंग देता है, मतलब आज के क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग आता है, राइट, तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, आप कंटिन्यू में इसमें अपसाइड का ट्रेड या बुलिश ट्रेड बना के जा सकते हैं, ठीक है। बुलिश ट्रेड में फ्यूचर बाइंग करके कॉल सेल कर सकते हैं, या पुट बाइंग कर सकते हैं, या फिर पुट सेल करके आप पुट बाइंग कर सकते हैं, राइट। इस टाइप का पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन हेजिंग के साथ पोजीशन बनाइएगा। ये ट्रेड बहुत बढ़िया बन रहा है, ध्यान रखेंगे 200 EMA 39,000 के आसपास अगर मार्केट इधर आता है, तो यहाँ से भी ग्रीन कैंडल बनेगा, तो यहाँ पर आपको जल्दी पता चल जाएगा कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट यहाँ नहीं है। कल मैंने क्या आप लोगों से शेयर किया था कि अगर मान लीजिए प्राइस कहीं ऊपर से नीचे आता है, तो पहले ऊपर जाने देना है, फिर अगर जाएगा नीचे तब शॉर्ट होगा, अदरवाइज शॉर्ट नहीं होगा। लेकिन मार्केट फ्लैट होके धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बट ये बड़ा गिरावट नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट बहुत अच्छा नहीं बनेगा, शॉर्ट की तरफ अवॉइड करना है। अगर बाइंग की तरफ ट्रेड बनेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये हुआ दोस्तों आपका बैंक निफ्टी का। अब चलिए देखते हैं हम लोग निफ्टी। देखिए निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी बहुत अच्छा स्ट्रांग है, और जैसे अगर आप इसमें देखें निफ्टी में, तो जैसे मैंने बात किया था कि ये जो मूवमेंट आएगा यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, अगर ऊपर जाके फिर शॉर्ट होगा तो ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ट्रेड मत करिएगा, मतलब शॉर्ट का ट्रेड मत करिएगा। मॉर्निंग में ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग बाइंग करने के बारे में सोचे थे, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन है, तो इसमें चांस थोड़ा नहीं मिलता है, राइट। निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, और देखिए दोनों में चार्ट पैटर्न सेम बना था, लेकिन निफ्टी ब्रेकआउट हो गया है, हमें इसी रेंज के ऊपर बाइंग करना पड़ेगा कल के दिन पे। ये टारगेट भी था हमारा 17,840-50 का,
इस रेंज के आसपास हमें बाइंग मिलता तो ट्रेड हमारा बन जाता। ओके, तो अब देखिए ये रेंज बना हुआ है, इस रेंज के बीचों बीच में ट्रेड किया है मार्केट, ज्यादातर टाइम स्पेंड किया है, मतलब अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। अगर ये थोड़ा नीचे खुलता है तो ट्रेड हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, अगर ये इधर ओपन होता है तब, इधर 10-15 मिनट होल्ड हो जाए प्राइस, ठीक है, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनता है 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में, तो फिर बाइंग हो जाएगा, अगेन ये 17,900 या 17,920 930 की तरफ पे निकल जाएगा, ट्रेड बहुत बढ़िया हो सकता है। तो कल सबसे पहले ये प्रीफर करना है कि मार्केट में देखना है कि अगर फ्लैट खुल के या थोड़ा नीचे खुल के इधर ग्रीन कैंडल बनता है तो ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग करने के बारे में सोचना है, और इसका जो एसएल बनेगा इधर का, अगर मान लीजिए इस रेंज में बनता है तो ग्रीन कैंडल के लो का एसएल, या मान लीजिए यहीं से खुल के सीधा ऊपर जाता है तो इससे नीचे का स्टॉप लॉस नहीं है, 17,780 का स्टॉप लॉस है, और इसके ऊपर बाइंग है 17,840 के ऊपर, मतलब 60 पॉइंट के सेल है, तो टारगेट आपका 1:1 या 1:2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, बट ट्रेड करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चांस है नहीं। ओके, तो एक पैटर्न पे हम लोग ट्रेड करेंगे। हम लोग एक पॉइंट और भी देख सकते हैं कि देखिए 200 EMA है 5 मिनट के चार्ट में, अगर मान लीजिए कि नीचे खुलता है और ये सीधा नीचे आ जाता है इधर, तो यहाँ से भी ग्रीन कैंडल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इधर से भी ग्रीन कैंडल बनेगा, हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस रेंज में शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होगा तो एक पैटर्न आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइम फ्रेम को चेंज कर दीजिएगा। ओके, और आवरली चार्ट में यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में बनना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये पैटर्न बनेगा तो शायद फेल हो जाए और उसमें आपको लॉस मिलेगा। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम में, क्योंकि अगर आवरली चार्ट देखेंगे, जैसे कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो भी यहाँ पर लो बन रहा है अगले दिन का वो सपोर्ट बन जा रहा है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर है, तो इस लो से मतलब ये लो का सपोर्ट लेके लोग इसमें पोजिशन हायर की तरफ बनाएंगे, 18,000 की तरफ जाने वाला है। मेरे पास मंथली पोजिशन था, आज लाइव में रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने चूंकि पुट मेरा 16 रुपये में आ गया था, कॉल मेरा 80 रुपये के आसपास चल रहा है, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया और मैं 16,500 के आसपास फिर आ गया हूँ, ठीक है, मतलब पुट फिर शॉर्ट कर दिया हूँ, पोजीशन मेरा कंटिन्यू चल रहा है, 18,000 के आसपास मैं देखूंगा कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, फिर मैं पोजीशन को कन्वर्ट करूंगा स्ट्रगल में, ऐसा मेरा लॉजिक है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका निफ्टी का बाइंग का ट्रेड है, यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड अभी नहीं दिख रहा है, प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा तो दिन में मैं अपडेट करूंगा, टेलीग्राम चैनल में आप अपडेट रहिएगा, फिर लाइव में मैं रहता हूँ तो आपको मालूम चल जाएगी कैसे इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनने वाला है, अभी मैं शॉर्ट इसमें प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड, अब चलिए चलते हैं स्टॉक जिसमें हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। पहला है रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए अभी कई दिनों से इसको मैं थोड़ा सा वॉच नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत अच्छा सेटअप नहीं बन रहा था, अभी फिर से बढ़िया सेटअप के साथ निकल रहा है, मुझे लग रहा है कल इस हाई, ये जो गैप बना है इस गैप की तरफ ही जाने की तैयारी करेगा, तो मूवमेंट आ जाएगी इसमें 2700 की तरफ मूवमेंट इसका तैयार हो रहा है। ओके, कल हम लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कैंडल के साथ लगभग पूरा दिन ये साइडवेज रहा है, इस लो और इस हाई के आसपास में लास्ट लास्ट में निकला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि थोड़ा नीचे खुलना चाहिए, इधर ग्रीन कैंडल का हम वेट करेंगे, राइट। देखिए ग्रीन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, आप अभी देखिए किसी भी चार्ट में मॉर्निंग का जो एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, जो भी एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर मार्केट हाई ही है, नीचे नहीं है, जो भी ग्रीन कैंडल बन रहा है इसके बाद ऊपर ही है प्राइस, ठीक है, जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा है फिर मार्केट ऊपर ही है, नीचे नहीं आ रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल का लॉजिक समझिए अभी। ओके, तो कल हम लोग इसे वेट करेंगे कि अगर 2650 के आसपास 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट में ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, हाई ब्रेक करता है, फिर इसमें बाइंग करके जाएंगे, स्टॉप लॉस 24 माफ कीजिएगा 2640 का, मतलब इस रेंज में बाइंग करते हैं तो 40 का है, किसी भी रेंज में बाइंग करें तो 15 से 10 रुपए के स्टॉप लॉस बनेगा और ट्रेड इसमें बनेगा अपर साइड में 2680 2690 2700 का भाव दिखा सकता है रिलायंस इंडस्ट्री। नजर रखिए अगर रिलायंस इंडस्ट्री मजबूत है तो समझिए निफ्टी इतना आसानी से नहीं गिरेगा, मार्केट को भी काफी सपोर्ट देगा रिलायंस इंडस्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री चला नहीं है तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से भी मार्केट में काफी स्टेबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, यह है एशियन पेंट, लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है और ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है देखो अगर आप देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन पैटर्न भी तो बढ़िया प्राइस एक्शन पैटर्न बन के निकल रहा है, राइट। आज भी मैंने दिन में लड़कों को जितना लाइव में थे पता होगा आप लोगों को भी मैंने ट्रेड दिया था, अब ये ब्रेकआउट कर सकता है, ये लाइफ टाइम हाई है इसका 3600 के आसपास, ये मूवमेंट करने की तैयारी कर रहा है, कल हम लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट देखें आप तो लगभग इसी एक 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही पूरा इनसाइड हुआ है, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, आज के हायर एंड के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे और बाइंग लेवल एग्जिट बनेगा ये 25 सॉरी 35
0.05 के ऊपर, 35.05, 0.06 के ऊपर निकलता है, हम लोग बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी बीच का रखना पड़ेगा, जैसे निकलेगा हम लोग बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बीच का मतलब 34.90 का एसएल रख के हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा बनेगा अपर साइड में 35, 30, 35, 50 की तरफ मूवमेंट दे सकता है। बहुत अच्छा मूवमेंट आता है मॉर्निंग में, एक दो कैंडल में बहुत फास्ट मूवमेंट आता है मॉर्निंग में। आप देखिएगा प्राइस प्री ओपनिंग सेशन में प्राइस कहाँ पर सेटल हो रहा है, अगर इसी रेंज में सेटल होता है, 35 के आसपास ही सेटल होता है, तो फिर अपर साइड में बहुत फास्ट निकल जाएगा। वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाटा बहुत अच्छा मूवमेंट आया, कल का वीडियो देखा रहा होगा आप लोगों ने, या डॉक्टर लाल को भी देखे रहे होंगे, लाल पैथलैब को भी बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है। थोड़ा बिलीव करना है चार्ट पे और उसमें ट्रेड करके जाना है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है बजाज ऑटो, इसे भी नजर रखिए। और अगर ऑटो में देखें तो ये स्टॉक चला नहीं है, ओके, टू व्हीलर में ये स्टॉक मूवमेंट नहीं आया, हीरो मोटोकार्प में भी बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, और मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट दे सकता है, ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, ओके, आज क्लोजिंग भी दिया है, तो कल हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 4100 के ऊपर राउंड फिगर के ऊपर ये ट्रेड भी कर रहा है, ओके, तो कल हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हायर इनको ब्रेक करता है तो थोड़ा नीचे खुल के ऊपर जाएगा तो ट्रेड बहुत बढ़िया बनेगा, नीचे खुल जाए इधर फिर ब्रेकआउट करे तो ट्रेड हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। हम लोग बाइंग करेंगे 4100 के ऊपर, राइट, इस लो के आसपास कैसल रखेंगे, 4080 का एसएल रखेंगे, 4100 के ऊपर बाइंग करेंगे और 40 से 60 रुपए के आसपास का टारगेट बनेगा। मूवमेंट बड़ा हो सकता है, नजर रखिए अपर साइड ब्रेक करेगा तो अच्छा ट्रेड आपको देके जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है डीमार्ट। आज हम लोग ट्रेड लिए थे लेकिन बड़ा मूवमेंट नहीं आया, ट्रेलिंग एसएल लगभग कॉस्ट के आसपास हमारा कट गया है, और डीमार्ट को देखें तो आसपास में रेजिस्टेंस नहीं है, ये बड़ा मूवमेंट के लिए तैयारी ये भी कर लिया है, मुझे लग रहा है कल ये निकलना चाहिए, ओके, तो हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड लेके जा सकते हैं। कल के दिन पे जैसे निकलता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं, 4410 के ऊपर हम लोग इसे बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। इसी स्विंग लो के आसपास कैसेल रखना पड़ेगा, मतलब 4390 का एसएल, 4410 के ऊपर बाइंग, 20 रुपये का एसएल, और अपर साइड में कम से कम 40 से 60 रुपये का टारगेट इसमें मिलना चाहिए, ओके। देखिए आज भी इसमें लगभग 20 रुपये आसपास मिल रहा था जहां हम लोग बाइंग किए थे, लेकिन ये ट्रेड इसका बड़ा था इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, बट यहां पर आके हमारा कहीं एसएल लग गया। एक कल आप वॉच करिए इस स्टॉक को, मुझे लग रहा है मूवमेंट आएगा तो बड़ा मूवमेंट आपको देखे जा सकता है। जैसे यहाँ पर ट्रेड लिए थे कितना फास्ट मूवमेंट आया था, यहाँ पर आप लोग लाइव में रहे होंगे पता होगा, ओके, तो मूवमेंट इसमें बड़ा है, वॉच कीजिए, जिस दिन मूवमेंट आएगा बड़ा मूवमेंट आपको देखे जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है आईएक्स, इसे भी नजर रखिए। इस स्टॉक को मैंने बहुत बॉटम में आप लोगों को शेयर किया था कि बाइंग कर लो, राइट, इसी रेंज में यहाँ पर, और इसके बाद कितना अच्छा मूवमेंट है, फिर से एक नया प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया है, और यहाँ पर देखें तो लगभग 7-8 कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट देखे क्लोज किया है, ओके, तो कल हम लोग इसे ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे, ध्यान रखिएगा इस रेंज के आसपास ओपन होना चाहिए, ठीक है, और अगर इधर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, या मान लो खुल के नीचे जाता है, इधर कहीं ग्रीन कैंडल बनता है, यहां पर ग्रीन कैंडल बनता है, फिर ये ट्रेड आएगा, ये बड़ा ट्रेड होगा, ओके, तो इसे ऊपर में बाइंग मत करिए, ठीक है, इसे थोड़ा नीचे में बाइंग करिए, अगर नीचे की तरफ ग्रीन कैंडल बनता है तब बाइंग करेंगे। मैं सिंपल एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो दोस्तों कि खुलता है और नीचे आ जाता है, या ऑलरेडी ये नीचे खुलता है, क्या ऑलरेडी ये नीचे खुलता है ऐसे, ठीक है, तो दोनों लॉजिक आप समझ लीजिए, या खुल के नीचे आ जाए फिर इधर ग्रीन कैंडल बने तो इसके ऊपर बाइंग करना है, सेम कैंडल के लो कैसे डालना है, और ये ट्रेड इसके ऊपर आज के हाई के ऊपर, तो अपर साइड में 176 178 की तरफ का ही भाव आपको दिखा देगा, ओके, लेकिन ये मिलना चाहिए 171 170 के आसपास, ठीक है, तब आपका ट्रेड बड़ा होगा। तो लॉजिक थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जो भी स्टॉक मैंने बताया है कि थोड़ा नीचे की तरफ ग्रीन कैंडल मिले तो उसमें बाइंग करेंगे तो ये प्रीफर आप करिए, ठीक है, या तो खुल के नीचे आ जाए, या ऑलरेडी नीचे खुले और ग्रीन कैंडल बन जाए, 5 मिनट 15 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम जिसमें भी ग्रीन कैंडल दिखता है आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, ट्रेड बड़ा हो सकता है, एक छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, मतलब एक कैंडल का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट आपका बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में ही तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।